हमारी लंका अयोध्या सोने की नहीं है। मैं तुमसे बलवान हूं, मैं तुमसे विद्वान हूं, लेकिन फिर भी मैं गया जो तुम्हारा भाई अंत समय तक तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं थी। तो ये जो फुटकर नेता घूम रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, कोई माई बाप ही नहीं है, उनसे बच के रहिए, उनसे बच करके रहिए। किसी ने इस बात को नहीं बताया, लगता है मेरे लिए छोड़ दिया। अभी 28 तारीख को दिल्ली के मावलंकर हाल में 7 प्रश्नों को लेकर के, जिसमें एक आंगनबाड़ी का भी प्रश्न है जिसे कम से कम 18,000 रुपया दिया जाए, उसका ईपीएफ काटा जाए, उसको पेंशन की सुविधा दी जाए, इन तमाम सवालों पर बहुत चर्चा हुई। तो ये धर्म युद्ध है, हालांकि सभी कहते हैं कि धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अन्याय जिसके साथ होता है वो धर्म युद्ध रहता है। की प्रदेश की महामंत्री आर्य संघर्ष समित मोर्चा की भी मैं महामंत्री हूँ एचएमएस की, और ये जो हम आंदोलन आज जो हम इको गार्डन में अपनी सारी बहनों को लेकर के, इनकी संख्याओं को लेकर के आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, जिस दिन आज के ही दिन ये ICDS विभाग ही इसका नींव रखा गया था 2 अक्टूबर के दिन, जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा था, दिया था हमको, लेकिन हमारे साथ सरकार इतना नाइंसाफी, इतना गुमराह करना, इतना सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। किसी हमारे आंगनबाड़ी, हमारी सहायिका मिनी बहने, जो भी हमारी बहने मजबूर है, एक महिला डिपार्टमेंट, जो कि एक महिला डिपार्टमेंट आंगनबाड़ी होता है और हमारी आशा बहन, तो इनके साथ प्रदेश की सरकार, यूपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इतना बड़ा झटका हमको दिए हैं, जो कि जब इनको अपने सत्ते में आना था और बीजेपी की गवर्नमेंट की कुर्सी जिस दिन इनको संभालना था, तब इन्होंने हम लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, 120 दिन का वादा किया था कि हमारी आंगनबाड़ियों के साथ बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, इनका बहुत अच्छा काम किया जाएगा, इनको जो है राज कर्मचारी भी घोषित कराया जाएगा, इनको 10,000 से 18,000 मानदेय भी दिया जाएगा। एसोसिएशन की पदाधिकारी होने के नाते आप अपनी एसोसिएशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के हम आए दिन हमेशा आंदोलन करते हैं, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट में दिल्ली में हो केंद्र गवर्नमेंट से, चाहे ये हमारा यूपी गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हमारा जिले स्तर से हो, अधिकारी से लेकर शासन प्रशासन और जो हमारे सरकार है, ये हमें बहुत अपने सौतेले व्यवहार की नजरों से देखता है। कभी इन्होंने हमको ऐसा समझा ही नहीं कि इनको भी अच्छा मानदेय मिले और इनको भी जीने लायक इनको मानदेय दिया जाए, इनके भी बच्चों का भविष्य बने या इनका भी घर परिवार अच्छा से। आपकी इस लड़ाई में आपका संगठन क्या आपके साथ में है? हमारा संगठन देखिए, हमारा संगठन जो हमारी महिलाएं, हमारी बहने हमारे बीच में बैठी हुई है, जो हमारा पूर्वांचल पश्चिमी जितने भी हैं, हमारे सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अभी भी आप पता कर लीजिए, जितनी बहने आई हुई है ये हमारे साथ में है। क्या समस्या आ रही है मैडम? हमको समस्या आ रही है कि सरकार जो है यूपी का गवर्नमेंट, मैं इनके कान होता मीडिया के माध्यम से, मैं इनके कान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूं, और 10,000 का जो मेरा पिछला समझौता है वो हमको मिलना चाहिए, 18,000 का हमारा मांग है वो हमको मिलना चाहिए, और हमको 10,000 दो में से 10,000 का मेरा पिछला समझौता जो है कि सपा गवर्नमेंट से थी, जब हमारे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मुझसे समझौता किया था, आज लिखित समझौता था, आज हमारा जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उस समझौते को नकारा जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसमें क्या मांग है आपकी? अभी जो है हमको 4,000 मानदेय मिल रहा है, जो कि 800 जो पिछली गवर्नमेंट हमारी सपा की सरकार ने 800 हमारा 2012 जो है 16
सितंबर में 27 सितंबर को ऐतिहासिक रैली थी, प्रदेश में मेरी रैली थी और जब हमने मांग किया, हमने लड़ाई लड़ा तो 800 आंगनवाड़ी और 400 सहायिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने दिया था जब इनकी सपा की गवर्नमेंट, लेकिन 10,000 जो समझौता था अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई भी और हम लोगों के मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खाली अधिकारी से लेके शासन प्रशासन और सरकार से लेके सारे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे हित की बात कोई नहीं कह रहा। इसलिए हम मांग ये हम मनवाना चाह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको जताना चाह रहे हैं कि हम